हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब एमसीक्यूज पर आ गए हैं। हमने हर कैटेगरी प्लांट किंगडम की अच्छे से कवर कर ली है। फ्लो चार्ट के थ्रू हमने समझा है और हमने इमेजेस के थ्रू समझा है। सो इस क्वेश्चन में हम टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एल्गी और ब्रायोफाइटा से रिलेटेड, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे जो बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिए हुए हैं, जिससे आपको एल्गी और ब्रायोफाइटा से रिलेटेड हर चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। एगार का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एगार? तो यहाँ पे हमने जब एगार का यूज़ पढ़ा था, एल्गी को जब हमने समझा था, तो उसमें हमने देखा था जो एगार है वो आइसक्रीम्स और जेलीज की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है और काफ़ी बार एग्जाम्स में आता भी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और है कि एगार जो है वो जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से पाया बनता है, ऑप्टेन किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन एल्गी में कैसे होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्रेगमेंटेशन और प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स। तो यहाँ पे मेरा आपसे ये कहना है कि हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को आप अच्छे से पॉज करके वीडियो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हर पार्ट उसका पढ़ेंगे और उसके बाद अपना आंसर जो है यहां पर मैच करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में वो जूस्पोर्स के थ्रू होता है। तो हमने तीन टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स के थ्रू होता है। जूस्पोर्स जो है फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, एंड ऑन जर्मिनेशन दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। राइट, क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है कि दो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, कितनी स्टेजेस में लाइफ साइकिल जो है मॉसिस की वो डिवाइड हुई है। तो हमने यहाँ पे दो स्टेजेस पढ़ी थी मॉसिस की, एक पढ़ी थी प्रोटोनेमा स्टेज और एक पढ़ी थी लीफी स्टेज। हर स्टेज को हमने जो है अच्छे से डायग्राम्स की हेल्प, फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको समझा था। सो वीडियो जो है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। किसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था, ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव इन सॉइल एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरी रिप्रोडक्शन साइकिल को हमने अच्छे से डायग्राम्स की हेल्प से समझा था, फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा था। राइट, क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते हैं। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है फियोफाइशिया में? तो तीन तरह के एल्गी पढ़े थे और हर एल्गी में जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो उसे पर्टिकुलर कलर देता है। फियोफाइशिया जो है ब्राउन कलर का होता है, तो ऐसा कौन सा क्लोरोफिल है इसके अंदर जो उसे ब्राउन कलर का बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल ए सी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफाइल्स, इस जो पिगमेंट है वो फियोफाइशिया में प्रेजेंट होते हैं जो उसे ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेंगे, जो बेसिकली दो टाइप्स के जो एल्गी हैं, रोडोफाइशिया और फियोफाइशिया, उसमें कौन से पिगमेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं, सारी चीज़ें एक बार और रिवाइज हो रही हैं, जिससे आपको अच्छे से जो है टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो रहा है। राइट, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं। मेन प्लांट बॉडी को क्या कहा जाता है ब्रायोफाइट्स की? रिजॉइड्स, हैप्लॉइड्स, थैलस? तो प्लीज़ आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देखें और आंसर मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। सो हैप्लॉइड कहा जाता है प्लांट बॉडी को, और हैप्लॉइड जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इसलिए इसकी प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। अच्छे से हमने प्लांट बॉडी जो है इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। राइट, क्वेश्चन नंबर सेवन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में यह है कि कौन सा टाइप का एल्गी जो है वो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है? तो क्लोरेला जो है इसको यूज़ किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। इसको मैंने आपको टेबल की फॉर्मेट में शो किया था, हर एल्गी का यूज़ मैंने आपको बताया था। इस तरह से एल्गिन और कैराजिन जो है दे हेल्प इन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिल रहे हैं और क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके आंसर्स और तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो रही है। राइट, अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं। जब दो सिमिलर साइज के गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको वर्ड ब्रेक करके भी समझाया था कि इसमें आइसो जो है वो होता है सेम और गैमस होता है गैमेट्स। तो आइसो गैमस हो गया, जो जब दो सिमिलर साइज के गैमेट्स फ्यूज होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स का साइज जब सेम होगा तो आइसो गैमस होगा, और अगर अगर उन दोनों का साइज डिसिमिलर होगा तो वो एनिजो गैमस हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर नाइन पर चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लाइवर वॉर्ट्स में कैसे होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइवर वॉर्ट्स में
मैंने आपको बताया था कि गैमीज जो है, गैमीज प्रिपरेशन होती है, गैमीज बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन जो है अच्छे से समझेंगे और फिर उसका आंसर जो है चेक करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेरी हो तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। जो गैमीज हम एक बार समझ लेते हैं, गैमीज होते हैं ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर और एसेक्चुअल बर्ड्स होती हैं जो उसकी लीव पर अटैच हो जाती है, बाद में वो डिटैच हो जाती है अपनी पेरेंट बॉडी से और ऑन जर्मिनेशन दे विल फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल्स लार्वा में। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कौन से प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन में कौन से प्लांट्स हेल्प करते हैं? तो मॉसेस हमने पढ़ा था, मॉसेस का बहुत अच्छा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमने समझा था और काफ़ी बार क्वेश्चन जो है आता भी है। तो मॉसेस जो है हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन में बिकॉज दे फॉर्म द डेंस मैट्स, डेंस मैट्स बना देते हैं सॉइल से, जिससे जो है जब बहुत तेज बारिश आती है तो वो सॉइल जो है, टॉप सॉइल जो है वो बची रहती है और इस तरह से ये हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन की प्रिवेंशन से, मॉसेस। राइट, क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। कौन सा एल्गी एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है? तो ये अभी अभी हमने कवर किया है, लैमिनेरिया एगारिया क्लोरेला। तो इसका भी आंसर होप आपको यहां से क्लियर है कि ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला जो है इसको यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट में। तो यहां से आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से आपको होप इस तरह से आपको याद भी हो गया है। बेसिकली यहां पर हम देखेंगे कि क्लोरेला फूड सप्लीमेंट की तरह क्यों यूज किया जाता है। क्लोरेला को इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज दे आर प्रोटीन रिच कंपाउंड्स, इनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसलिए फूड सप्लीमेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि क्लोरेला जो है मैराइन एल्गी है। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर एल्गी से रिलेटेड ट्रू नहीं है? तो हर ऑप्शन को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। जब हमने एल्गी की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तब हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था कि एल्गीज जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स के और दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ताकि एक्वेटिक एनिमल्स को हेल्प मिल सके ब्रीदिंग में और दे हेल्प इन सॉइल फिक्सेशन। तो मैंने आपको पॉइंट वाइज अच्छे से इसको क्लियर किया था। तो यहाँ से आपको होप क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मर्चेंटिया वो किसका एग्जांपल है? तो जो मर्चेंटिया है वो लार्वावॉर्ट्स का एग्जांपल है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी समझाए थे, हर एक एग्जांपल की मैंने आपको इमेज समझाई थी बिकॉज जब आप उसकी पिक्चर देखते हैं, एग्जाम्पल्स की पिक्चर देखते हैं तो आपको अच्छे से उसको याद रखने में आसानी रहती है। तो लार्वावॉर्ट जो है मर्चेंटिया है और ब्रायोफाइट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, लार्वावॉर्ट्स में और मॉसेस में। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। रोडोफाइशिया का अदर नेम क्या है? तो यहाँ पे हमने सारे पिगमेंट्स पढ़ लिए हैं, उन पिगमेंट के बेसिस पर अलग अलग पार्ट्स हैं एल्गी के। इस तरह से जो रोडोफाइशिया है उसको रेड एल्गी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब ये भी बताया था कि आर फॉर रोडो एंड आर फॉर रेड एल्गी। तो इस तरह से आप रिलेट कर इसको लर्न कर सकते हैं। जो क्लोरोफाइशी होता है वो ग्रीन एल्गी होता है और फियोफाइशी जो है ब्राउन एल्गी होता है। इस तरह से जिसके पिगमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है एल्गीज में और ब्रायोफाइट्स में कैसे होता है? एल्गीज और ब्रायोफाइट्स दोनों को हमने अच्छे से वीडियो में कवर किया है। तीन टाइप के रिप्रोडक्शन हमने पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको तीनों को मैंने आपको अच्छे से डायग्राम्स की हेल्प से समझाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स। जूस्पोर अभी हमने पढ़ा है फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये जो फ्लैजेला होते हैं ये हेल्प करते हैं जू स्पोर्स को मूव करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। तो दे आर बेसिकली बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजेला होते हैं, दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं जो बॉडी से अटैच हुए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। वॉल्वॉक्स, यूलॉक्थ्रिक्स, फ्यूकस लैमिनेरिया, ये किसका एग्जाम्पल्स है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देने का मेरा मोटिव बस यही है कि आपको लर्न हो जाए, ताकि आपको लर्न हो जाए और आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। इन सब की पिक्चर्स भी मैंने आपको अच्छे से चैप्टर में कवर करवाई थी। तो आप वीडियो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर चीज़ आपको वहाँ पर पिक्चर्स में, पिक्चर्स की फॉर्मेट में, डायग्राम्स की फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्मेट में वहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे होता है वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है
वो ऊ गैमस के थ्रू होता है, वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में। आइसोगैमस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एनिसोगैमस भी पढ़ लिया है, ऊ गैमस को भी एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली जो दो गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, उसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉलर और मोटाइल होता है। इस तरह से आपको हर चीज़, होप आपको अच्छे से समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ज़ूस्पोर्स की, ज़ूस्पोर्स को अगर हम देखें तो ऑन जर्मिनेशन दे विल गिव राइज अ न्यू प्लांट, वो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो ये सही है। एंड प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोर एंजियम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको पिक्चर के थ्रू, इमेजेस के थ्रू ज़ूस्पोर एंजियम जो है अच्छे से बताया था। तो बेसिकली ज़ूस्पोर एंजियम एक तरह से कह सकते हैं पेरेंट सेल है जिसमें से ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो दोनों दोनों ऑप्शंस हैं ए और बी, वो दोनों जो है ज़ूस्पोर्स के लिए बिल्कुल सही है। तो ये ज़ूस्पोर्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ये भी हमने कर लिया है कवर, ज़ूस्पोर एंजियम भी। होप यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ये अभी अभी हमने किया है, तो ये होप थोड़ा सा जो है रिपीट हो गया है क्वेश्चन यहाँ पे। तो आइसक्रीम्स और जेलीज के प्रिपरेशन में हमने देखा है कि एगार यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आया है, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो होप इस तरह से आपको जो है कुछ भी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको अपने आप ही याद होता चला जाता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस की फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे जो है कि कौन सा ऐसा एल्गी है दैट हेल्प्स इन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। एल्गिन और कैरोजिन जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये चीज़ आती है कि एल्गिन जो है ब्राउन एल्गी है जिसे फियोफाइशिया कहा जाता है, और कैरोजिन जो है रेड एल्गी है जिसे रोडोफाइशिया कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। फ्लैजिला किसमें एब्सेंट होते हैं, तो तीन टाइप की एल्गी थे जिसको हमने पिगमेंट्स के बेसिस पर हमने डिफ्रेंशिएट किया कि हर किसी में पिगमेंट्स अलग अलग होते हैं, और एक हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्लैजिला के बेसिस पर कि किसमें फ्लैजिला जो है एब्सेंट होते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था जब हमने पढ़ा था कि जो रोडोफाइशिया ही ऐसा एक एल्गी है जिसमें फ्लैजिला नहीं होते, फियोफाइशिया और क्लोरोफाइशिया दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो अगर उसमें फ्लैजिला नहीं होते तो इसका मतलब वो मूव भी नहीं कर सकते, दे आर नॉन मोटाइल, तो इसलिए वहां पे जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। तो क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कौन से टाइप का जो प्लांट है वो हेल्प करता है प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल, तो जब हमने ब्रायोफाइट्स का चैप्टर पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जहाँ पर सॉइल फॉर्म नहीं होता, जहाँ बंजर ज़मीन है, जहाँ बिल्कुल भी सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता, तो ब्रायोफाइट्स ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। ब्रायोफाइट्स में हमने और अच्छे से हमने समझा था कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है और क्यों कहते हैं, ये भी हम अच्छे से इसको जो है कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि प्लैनेरिया और हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लैनेरिया और हाइड्रा में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसको मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाया था, प्लैनेरिया और हाइड्रा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में हमने समझा था कि जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है फ्रेगमेंट्स में, और हर जो फ्रेगमेंट्स है वो हर एक नए पार्ट में डेवलप हो जाते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। तो इसको भी हमने अच्छे से डायग्राम्स की हेल्प से समझा था। वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। तो ज़ूस्पोर्स की शेप कैसी होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अच्छे से ज़ूस्पोर्स को समझ लिया है। अब ज़ूस्पोर्स की जो शेप होती है वो भी मैंने आपको समझाई थी, पिक्चर्स के थ्रू हमने इसको देखा था। तो ज़ूस्पोर की जो शेप होती है दे आर पियर शेप्ड, राइट। तो हर चीज़ को हमने पिक्चर के थ्रू हमने जो है वीडियो में समझा था, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पिक्चर देखते हैं ना तो आपके माइंड में वो इमेज उसकी क्लियर हो जाती है, और जिससे आपको लर्न करने में आसानी होती है, रट्टाफिकेशन नहीं करते आप, उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो है। तो नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी
का कौन सा एग्जाम्पल है? यूलॉथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड वॉल्फॉक्स। तो स्पायरोगैरा इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी। ये ऐसी एल्गी हैं जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल है नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी के इज द स्पायरोगैरा, जिसमें आइसोकैमस होता है। आइसोकैमस हो गया सिमिलर इन साइज। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे इस चैप्टर के एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे 50 एमसीक्यूज। तो यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।